भाजपा को अपने नए अध्यक्ष के लिए अभी फिलहाल लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि इस बीच दावा किया जा रहा है कि पार्टी फिलहाल किसी को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकती है। गौरतलब है कि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को केंद्र में मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद यह पूरे तौर से तय माना जा रहा है कि पार्टी में अध्यक्ष के पद पर किसी और का चयन होगा। हालांकि यह चयन कितना जल्द या देरी से होगा, इसको लेकर सिर्फ कयासबाजी ही जारी है। वहीं मौजूद अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पार्टी को 30 जून से पहले ही किसी न किसी को इस जिम्मेदारी को देना होगा। पार्टी नए अध्यक्ष के चयन से पहले नए सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी और उसके बाद राज्यों में संगठन के चुनाव कराएगी। राजनीतिक दलों के अध्यक्ष के चुनाव के लिए तय नियमों के अनुसार अध्यक्ष के चयन से कम 50% राज्यों में पार्टी संगठन का चुनाव पूरा होना जरूरी है। इन तमाम चीजों पर ध्यान देने के बाद यह भी कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में या तो पार्टी के द्वारा नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या किसी नेता को फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर काम चलाया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद नए अध्यक्ष के सामने तमाम चुनौतियां भी हैं। दरअसल पार्टी के नए अध्यक्ष को तमाम राज्यों में संगठन को दुरुस्त करना होगा। इसी के साथ इसी साल तमाम जगह जैसे झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहाँ भी पार्टी को काफी ध्यान देना पड़ेगा।